नमस्कार, मैं प्रियंका ऑल न्यूज से। प्रधानमंत्री मोदी को फर्जी खबरों से सोशल मीडिया पर निशाना बनाए जाने को लेकर ऑल न्यूज का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फोटोशॉप तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जाता है। 70 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जनता प्रधानमंत्री को चोर कह रही है। इन शब्दों के साथ एक तस्वीर सितंबर 2018 में वायरल की गई थी। इस तस्वीर में कुछ महिलाओं के हाथ में प्लेकार्ड्स हैं, जिस पर मोदी चोर लिखा हुआ देखा जा सकता है। लेकिन जब हमने इस तस्वीर की गूगल रिवर्स इमेज सर्च की तो 23 सितंबर 2018 को आज तक की एक रिपोर्ट में हमें असली तस्वीर मिली। असली तस्वीर में महिलाओं के हाथ में दिख रहे प्लेकार्ड्स पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लिखा हुआ देखा जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से किया था, और यह उसी अवसर की एक तस्वीर है जिसे फोटोशॉप कर गलत दावे से शेयर किया जा रहा था। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी के दो तस्वीरों का कोलाज सोशल मीडिया पर वायरल था। कोलाज के बाई तरफ की तस्वीर पर पीएम मोदी महात्मा गांधी की एक मूर्ति को माला पहनाते हुए दिख रहे थे, तो दाई तरफ की तस्वीर पर ऐसा कहा जा रहा था कि पीएम मोदी गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को माला पहना रहे हैं। जब ऑल्ट न्यूज़ ने इस तस्वीर को गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमने पाया कि वो मूर्ति गोडसे की नहीं बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। ऑल्ट न्यूज़ को असली तस्वीर इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स पर मिली। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी उपाध्याय को श्रद्धांजलि दे रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को नाथूराम गोडसे की मूर्ति बताकर सोशल मीडिया पर ऐसा दर्शाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी के हत्यारे को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मोदी दोबारा पीएम बना तो थम जाएगा भारत के विकास का पहिया। इस शीर्षक के साथ लिखे गए एक लेख का पेपर क्लिप अक्टूबर 2018 में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, जिसे हजारों बार शेयर किया गया। जब हमने ऐसी कोई खबर ढूंढने के लिए गूगल पर सर्च किया तो हमें 15 जुलाई 2018 को प्रकाशित जागरण की एक ऑनलाइन रिपोर्ट मिली, जिसका शीर्षक था, मोदी दोबारा पीएम नहीं बने तो थम जाएगा भारत के विकास का पहिया, जॉन चैम्बर्स। हमें बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलों में से एक बीजेपी लाइव का 18 जुलाई 2018 को पोस्ट किया गया एक ट्वीट मिला, जिसमें असली न्यूज़पेपर की क्लिप है। दरअसल 12 जुलाई 2018 को हुए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक लीडरशिप समिट के उद्घाटन के बाद जब सिस्को के पूर्व एग्जीक्यूटिव चेयरमैन व सीईओ जॉन चैम्बर्स से संवाददाताओं ने पूछा था कि अगर 2019 में मोदी दोबारा नहीं चुने गए तो क्या स्थिति होगी, तो इसके जवाब में उन्होंने यह कहा था, और इसकी रिपोर्ट उस समय कई मीडिया संगठनों ने की थी। ऐसे ही एक रिपोर्ट के शीर्षक को फोटोशॉप के जरिए बदलकर गलत तरीके से फैलाया गया। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थी जिसमें वो एक महिला के साथ एक हवाई जहाज में बैठे दिखाई दे रहे थे। इस तस्वीर को तो देख लो साहब विदेशी दौरा क्यों करते हैं कैप्शन से शेयर किया गया था। असल में ये तस्वीर 2017 से शेयर की जा रही है। सच्चाई ये है कि इस तस्वीर को फोटोशॉप किया गया था। ऑल्ट न्यूज़ को ओरिजिनल फ़ोटो लाइफ सिटीज नामक एक वेबसाइट पर मिली थी, और इस फोटो में पीएम मोदी के बगल में डॉक्टर गुरप्रीत कौर चावला बैठी हैं। डॉक्टर चावला पेशे से इंटरप्रेटर है, और कैलिफोर्निया में इनकी इंडियन लैंग्वेज सर्विसेज नामक एक कंपनी है जो अनेक भाषाओं की व्याख्या करती हैं। डॉक्टर चावला ने पीएम मोदी के साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत से वर्ल्ड लीडर्स के साथ काम किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की दो तस्वीरें सितंबर 2018 में यह कहकर वायरल हुई थी कि वो मस्जिद में टोपी पहने नजर आए। कई फेसबुक पेजों सहित कुछ पर्सनल यूजर ने भी इसे पोस्ट किया था, पर हमारी पड़ताल में वो दोनों ही तस्वीरें फोटोशॉप निकली। असली तस्वीर में पीएम मोदी ने टोपी नहीं पहनी थी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को इंदौर के एक कार्यक्रम असारा मुबारक में भाग लेने गए थे। उसी दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन ने शहर के सैफी मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने
खुद उस अवसर की कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया था। 2018 में पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के नाजी लीडर हिटलर की तस्वीरें साथ में ट्वीट की थी, जिनमें दोनों लीडर्स प्यार से बच्चों के कान पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तस्वीरों को साथ में रखा गया था जैसे पीएम मोदी और हिटलर के बीच समानता दिखा सके। असल में हिटलर की तस्वीर को फोटोशॉप किया गया था। असली फोटो में हिटलर का हाथ बच्ची के कंधों पर है। अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है हिटलर के दाएं हाथ को प्रधानमंत्री मोदी के बाएं हाथ से फोटोशॉप किया गया है और हिटलर के बाएं हाथ को प्रधानमंत्री मोदी के दाएं हाथ से फोटोशॉप किया गया है। हिटलर की तस्वीर को फोटोशॉप करके उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में समानता दिखाने की ये कोशिश थी। इस आखिरी उदाहरण में प्रधानमंत्री मोदी की फोटोशॉप की हुई एक ऐसी तस्वीर जो हाल ही में वायरल हुई थी। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो भी हैं और उनके हाथ में एक फुटबॉल जर्सी है जिस पर मोदी 420 लिविंग फुटबॉल फीफा लिखा हुआ है। दावा यह किया गया था कि फीफा के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को मोदी 420 लिखा हुआ जर्सी उपहार में दिया। 420 को अक्सर फ्रॉड लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 420 में धोखाधड़ी, बेईमानी और फ्रॉड के सारे मामले आते हैं। अब तस्वीर पर आते हैं। यह फोटोशॉप की हुई तस्वीर है। असली तस्वीर में G20 लिखा हुआ है, 420 नहीं। और इस तस्वीर को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल से फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो को इस जर्सी के लिए धन्यवाद देते हुए पोस्ट किया था।